वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। ये मेरे पास बनाएंगे ऐसे जैसे रेस्टोरेंट स्टार में बनते हैं। रेस्टोरेंट में ये मेरे भाई शेफ हैं, वो बनाते हैं इस तरह। ये मेरे कुकर ले लेते हैं। ये मेरे पास 1 किलो गोश्त है, बीफ का हो, मटन का हो, जिसका भी हो, तरीका यही होगा। 1 किलो गोश्त धो के मैंने डाल दिया। अब इसमें डालेंगे एक प्याज। एक प्याज को इस तरह लंबा लंबा काट ले, ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे, हड्डियाँ मीठी हो जाती हैं। ये है 5-7, जब एक गट्ठी बड़ी गट्ठी लहसुन की है वो इस तरह साबे डाल दें। ये मेरे पास टमाटर है, मेरे पास 3 टमाटर थे बड़े साइज के, अगर छोटे हैं तो आप 4 डाल दें। टमाटर जो है वो हमारे दूसरे खाने को चार चार लगाते हैं, साथ साथ खाने को हजम भी करने में मदद करते हैं। टमाटर डाल दिए। अब ये इसमें डालेंगे मसाले। मसाले रेड चिली पाउडर 30 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। ये डाल के, ये मेरे पास पानी है, ये छोटा सा गिलास है, ये भी फुल भरा हुआ नहीं है। ये पानी इसमें डाल के और इसको कुकर में 80% गला लेंगे। बस ये चीजें अभी डालेंगे, जब गल जाए मिक्स कर लेते हैं। आप इसको कुकर में गलाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपके दिखाती रहूंगी साथ साथ क्या डालना है। अब ये गोश्त जो है गल चुका है 80%। अब ये जो टमाटर है ये निकाल लेते हैं, इनको ग्राइंड कर लेंगे। ये टमाटर और ये लहसुन, इनको मैं निकाल के ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। ये टमाटर मैंने निकाल लिया है, लहसुन तो वैसे भी अंदर गल जाते हैं। अब ये मेरा कुकर बड़ा है, अब मैं छोटे बर्तन में इनको शिफ्ट कर लेती हूँ। और ये इसका पानी है, ये खुश करना है, साथ साथ मसाले भी डालते रहेंगे। अब ये टमाटर जो ग्राइंड कर लिए इनको डाल देते हैं, साथ ही साबित गर्म मसाला 1 चम्मच है मेरे पास, ये डाल देते हैं। दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची, जीरा, ये डालकर, ये मेरे पास एक ग्रीन चिली थी, ये मेरे पास कड़वी वाली है, आपके पास कड़वी वाली नहीं तो दो भी डाल सकते हैं, और अदरक का टुकड़ा, ये ग्राइंड कर लिया, ये डाल देते हैं। और साथ ही आलू भी डाल देते हैं, आलू भी गलते रहेंगे और हमारा मसाला फ्राई भी होता रहेगा। अब ये मेरे पास तेल है 200 ग्राम है, आप अपने जायके के हिसाब से, कहीं लोग कम खाते हैं कहीं ज़्यादा खाते हैं। ये सब चीज़ें डालकर अब इनको फ्राई करते हैं। अगर कुकर छोटा होता या कुकर में आप इस तरह ये सारे मसाले उसी कुकर में डाल के आप इसको जैसे आलू डालें थोड़ी सी 2 मिनट के लिए इसको दम दे देते तो जल्दी हमारी हर चीज़ गल जाती। अब मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा आलू गलाने में, अब इनको फ्राई करते हैं। आलू मैंने 1.5 पाव के करीब डाले हैं, आप इसमें आधा किलो 3 पाव तक डाल सकते हैं। अब ये गोश्त गल चुका है और आलू भी कुछ गल चुके हैं, फ्राई हो गया है, मुझे नमक हल्का सा कम लगा है, मैं ज़रा सा नमक और डाल रही हूँ, फिर आखिर में और चेक करेंगे। अब इसके हाथ में जायका पानी लगा देंगे जो जितना हमने शोरबा रखना हो, पानी में कम ही लगाऊंगी, हल्की आंच पे रखूंगी। अब जी मैंने पानी लगा दिया अपने हिसाब से, अब मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। आधे मेरे आलू गल चुके हैं, आधे रहते हैं, कसर रहती है। आखिर अब मैं अभी इसमें मसाले और डालते हैं, आखिर में मिलते हैं। अब हल्दी हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर पहले नहीं डालेंगे, होटल वाले पहले नहीं डालते कि हड्डियाँ जो है वो काली हो जाती है। 1 चम्मच भर का मैंने धनिया पाउडर डाल दिया और हाफ या अपने जायके के हिसाब से 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब ये हंडिया तैयार है, अब इसको उतार लेते हैं। अब सालन जो है तैयार हो गया, अब इसको डाल देते हैं। डालेंगे कैसे, आप जितनी तरी रखना चाहें, जितना ज्यादा आप डालना चाहें तेल, हमारे घर में इतना ज्यादा खाया नहीं जाता, मैं ज्यादा नहीं डालती।
अब ऐसा करेंगे, दो बोटियां डालेंगे, एक आलू डालेंगे, साथ शोरबा। अगर आप चाहे तो इसी के ऊपर, इसी के ऊपर आप धनिया डाल सकते हैं। आप इसमें क्या डालेंगे? आप डालेंगे प्याज। प्याज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आलू गोश्त में तो वैसे बहुत मजे के बनते हैं। थोड़े से डाल लेते हैं बच्चे अपने में। ये जी बहुत लजीज बना है, ट्राई करना, अल्लाह करे आपको पसंद आए। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।